आधी रात को सोनम छत पर जाकर किसी से फोन पर बात कर रही थी, तभी पीछे से विजय सोनम को फोन पर बातें करते हुए देख लेता है और वह तुरंत सोनम से बोलता है, सोनम तुम इतनी रात को किसी और से बातें कर रही हो? अरे वो मेरी एक सहेली है ना, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और उसे ज्यादा कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए उसने मुझे फोन कर लिया है। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम बात कर सकते हो मेरी सहेली से। अरे नहीं पागल, मेरे पूछने का मतलब यह नहीं है कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, वह तो मैं बस इसलिए पूछ रहा हूँ कि इतनी रात को आखिर तुम किससे बातें कर रही हो और क्या बातें कर रही हो, कहीं तुम्हारे घर में कोई इमरजेंसी तो नहीं पड़ गई ना? नहीं नहीं सब ठीक है, तुम जाओ आराम से सो जाओ, मैं बस 5 मिनट में आती हूँ। थोड़ी देर में विजय अपने कमरे में चला जाता है। ऐसे ही अगली सुबह विजय नहा धोकर ऑफिस के लिए रेडी हो जाता है। सोनम बार बार किचन में खाना बनाने के साथ साथ फोन पर बिजी थी। यह देखकर विजय को सोनम पर शक हो रहा था, पर बेचारा चाहकर भी उसे कुछ नहीं कह पा रहा था। थोड़ी देर में विजय भी ऑफिस के लिए चला जाता है। विजय के ऑफिस जाते ही सोनम घर का सारा काम निपटा कर अच्छे से रेडी होकर अपने दूसरे पति राहुल के पास जाती है। तभी राहुल सोनम से बोलता है, कहाँ थी तुम? देख रहा हूँ 2 दिन से गायब हो। मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरी फ्रेंड की तबीयत खराब है, इसलिए मैं उसके घर पर रुक गई थी। बेचारी अकेले रहती है ना, इसलिए मैं थोड़ा उसके साथ थी। अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हें याद है ना आज मुझे आउट ऑफ इंडिया जाना है और मेरी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग भी है। आज शाम को मेरी 5 बजे फ्लाइट है, तो जल्दी से कुछ बढ़िया से खाना बना दो यार खाने के लिए, क्योंकि मैं जाने से पहले ना तुम्हारे हाथ का बढ़िया बढ़िया खाना खाना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे बस 15 मिनट दे दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बढ़िया सा बना देती हूँ। राहुल एक अमीर बिजनेसमैन था, जिस वजह से सोनम ने 2 दोस्त शादी कर रखी थी। ऐसे ही एक शाम राहुल की फ्लाइट थी और वो आउट ऑफ इंडिया चला जाता है, जिसके बाद सोनम फ्री होकर अपने दूसरे पति विजय के लिए बाहर से खाना लेकर घर जाती है। ये देखो मैं बाहर से खाना लेने गई थी, रोज रोज के घर का खाना खाकर मैं बोर हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज हम दोनों बाहर का खाना खाएं। वह सब तो ठीक है सोनम, पर बेकार में पैसे वेस्ट करने की क्या जरूरत थी, घर में ही कुछ बना लेती। तुम्हें तो पता ही है कि अभी कितनी प्रॉब्लम चल रही है पैसों को लेकर। तुम ना हमेशा पैसों के बारे में ही सोचा करो, तुम्हारी चिंदी चोरी तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। अरे बात को समझने की कोशिश करो यार, अभी मेरे ऑफिस में बहुत ड्रामा चल रहा है, तो मेरी नौकरी कभी भी जा सकती है, इसके बारे में मुझे खुद तक नहीं पता। अच्छा हुआ कि मैंने दूसरी शादी कर ली, वरना इस गरीब के भरोसे रहती तो जिंदगी भर गरीब की गरीब ही रह जाती। इससे अच्छा तो राहुल है, कम से कम आँख बंद करके मुझ पर भरोसा तो करता है और अपना पूरा क्रेडिट कार्ड ATM कार्ड सब कुछ मुझे दे देता है। और एक ये निकम्मा है जिसके थोड़े पैसे खर्च कर लो तो मौत आ जाती है। ऐसे ही सोनम और विजय दोनों सो जाते हैं। अगली शाम विजय ऑफिस से घर आता है, विजय बहुत ही निराश था। तभी सोनम विजय से कहती है, क्या हुआ है, तुम बहुत परेशान हो, सब कुछ ठीक तो है ना? अरे यार तुम्हें पता है मेरी जॉब चली गई है, अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। एक तो दिन प्रतिदिन महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, ऊपर से ये गरीबी, और अब तो मेरे पास जॉब भी नहीं है। अरे तो क्या हो गया, इसमें परेशान होने वाली बात क्या है, तुम कोई और जॉब देख लो ना। वैसे भी इस दुनिया में नौकरी की कमी है क्या, अगर इंसान के अंदर टैलेंट हो तो तुरंत नौकरी मिल जाती है। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, पर अगर मैं 1 महीना घर पर बैठ गया तो घर की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। अरे तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। अरे तुम कहाँ से हैंडल करोगी, तुम्हारे पास पैसे हैं क्या? अरे मेरे पास पैसे नहीं है, पर मैं एक गृहिणी हूँ और घर गृहस्थी कैसे चलाते हैं ये सब मुझे अच्छे से आता है, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। विजय हर जगह जाकर अपने लिए नौकरी ढूंढना शुरू कर देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन विजय को कहीं नौकरी नहीं मिलती। धीरे धीरे विजय के घर की स्थिति खराब होने लगती है, लेकिन इस बीच भी सोनम की शॉपिंग बंद नहीं हो रही थी। यह सब देखकर
विजय के मन में कई सवाल आ रहे थे और एक दिन वह सोनम से कहता है, यार मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि एक महीने से तो मैं जॉब ही नहीं कर रहा हूँ और ना ही मेरे पास पैसे हैं और ना ही मैंने तुम्हें कोई पैसे दिए, तो फिर तुम शॉपिंग कहाँ से करके आ रही हो? अरे तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे पैसे दोगे तभी मैं शॉपिंग कर पाऊंगी क्या? मैंने ये सारी शॉपिंग अपनी सेविंग से की है। तुम घर खर्च के लिए मुझे पैसे जो देते हो उन्हीं पैसों को मैं बचा कर रखती हूँ। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है सोनम, पर अभी जैसी सिचुएशन है ना उस हिसाब से तुम्हें शॉपिंग करने के बजाय घर में राशन डलवाने के बारे में सोचना चाहिए था। अब जिंदगी भर मैं यही सब करती रहूं क्या? जब से तुमसे मेरी शादी हुई है तब से तुम मुझे अब तक कहीं घुमाने नहीं ले गए हो। आज तक कभी मेरी ख्वाहिशों के बारे में तुमने कभी सोचा ही नहीं। मैं क्या चाहती हूँ, हर वक्त घर की अच्छी स्थिति, घर की बुरी स्थिति, पैसे, जॉब, यही सब चलता रहता है तुम्हारा। अच्छा बाबा सॉरी, मैं भी तो चाहता हूँ ना कि मैं तुम्हें एक अच्छा सा जीवन दे पाऊँ, पर मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। बाकी तुम चिंता मत करो, इस बार जैसे ही मेरी जॉब लगती है सबसे पहले मैं तुम्हें अच्छी सी जगह घुमाने लेकर जाऊंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन विजय के पास एक बड़ी कंपनी से इंटरव्यू के लिए ऑफर आता है। विजय उस कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाता है। उस कंपनी का ओनर और कोई नहीं बल्कि राहुल था। राहुल विजय को अपने पास काम पर रख लेता है। विजय बहुत खुश हो जाता है। वह खुशी खुशी अपने घर आता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है, जिस पर सोनम कहती है, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो अब तो हमारे घर की सिचुएशन धीरे धीरे अच्छी हो ही जाएगी, अब हमें किसी भी चीज की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही लगभग 6 महीने बीत जाते हैं। सोनम जैसे तैसे अपने दोनों पतियों को बराबरी का टाइम दे रही थी। एक दिन विजय यूं ही सोनम से कहता है, सोनम कल शाम को मेरे ऑफिस में एक ग्रैंड पार्टी है, उस पार्टी में ऑफिस के सभी लोग आने वाले हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ ऑफिस की पार्टी में चलो। अरे यार कल तो मुझे राहुल के साथ उसके ऑफिस जाना था, उसके ऑफिस में भी तो पार्टी है ना, अब क्या करूँ मैं, बहुत बुरी फंस गई अब तो मैं। क्या हुआ, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? अच्छा ठीक है मैं कल रेडी हो जाऊंगी, पर मैं पार्टी में ज्यादा देर नहीं रहूंगी, मुश्किल से आधा घंटा, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अरे तो कोई बात नहीं, रहने दो, मत जाओ तुम पार्टी में। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ पार्टी में बस आधा घंटा रहूंगी, वैसे भी पहली बार तो तुम मुझे कहीं लेकर जा रहे हो, ये मौका मैं कैसे जाने दूं? ऐसे ही अगले दिन विजय और सोनम दोनों अच्छे से रेडी होकर ऑफिस पार्टी में जाते हैं। पार्टी में जाने के बाद सोनम की नज़र राहुल पर जाती है और राहुल की नज़र सोनम और विजय पर जाती है। राहुल तुरंत सोनम और विजय के पास आ जाता है और बोलता है, सोनम तुम विजय के साथ क्या कर रही हो, क्या तुम इसे जानती हो? सर यह सोनम है मेरी वाइफ। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या? She is my wife. यह सुनकर राहुल और विजय दोनों हैरान हो जाते हैं और उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आता है। तभी सोनम उन दोनों को सारी बात बताती है। देखो मुझे माफ कर दो, मैंने तुम दोनों को धोखा दिया है। हाँ मैं जानती हूँ कि मैंने दो दो शादी की, पर मैं क्या करूँ, मैं मजबूर थी, मेरे माँ बाप ने मेरी शादी विजय से करवा दी थी और विजय भले ही एक अच्छे पति थे पर उनके पास मेरी जरूरत को पूरा करने के लिए ना तो पैसे थे और ना ही टाइम, इसलिए मुझे मजबूरी में राहुल से शादी करनी पड़ी। राहुल के पास पैसा भी था और मुझे देने के लिए टाइम भी था। तुम बहुत स्वार्थी हो सोनम, तुमने अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए विजय को धोखे में रखा और उसके साथ साथ मुझे भी, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अरे मैंने तुम पे भरोसा किया था लेकिन तुमने क्या किया? छी। हाँ मैं जानता हूँ कि मैं गरीब हूँ और मेरे पास ना तो पैसे हैं और ना ही तुम्हारे लिए खूब सारा टाइम है, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सोनम, लेकिन आज तुमने जो भी कुछ किया वह मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा, इसलिए मैं हमेशा के लिए तुमसे दूर जा रहा हूँ। सोनम के दोनों पति उसे हमेशा के लिए छोड़कर उससे दूर चले जाते हैं। इसके बाद सोनम हमेशा हमेशा के लिए अकेली हो जाती है। कार्तिक अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर एक कंपनी के बाहर आता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। जहाँ देखो बस पैसे या रेफरेंस मांगते रहते हैं, टैलेंट की कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है, मैं कहाँ जाऊँ क्या करूँ आखिर। हाँ भाई क्या हुआ, तेरी जॉब लग गई क्या?
हाँ बोल बोल, लग गया तो जल्दी से मुझे मिठाई खिला दे। इसे तो मैं अभी बताता हूँ। हाँ मिल गई है भाई, एक काम कर, तू भी यहीं मुझसे मिलने आ, मैं तुझे मिठाई क्या पिज्जा खिलाता हूँ। पिज्जा? सच में? अरे तू झूठ तो नहीं कह रहा ना? नहीं मेरे दोस्त, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अब तू फोन रख और जल्दी से मेरे पास आ जा, साथ में एंजॉय करते हैं। हाँ हाँ भाई क्यों नहीं, अरे मैं तो उड़ के आ जाऊंगा अभी, पिज्जा के नाम पे तो मैं कहीं भी चला जाऊं। उमेश फोन रख देता है और कार्तिक गुस्से में बैठा उमेश का इंतजार कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद उमेश आता है। बता भाई अब कहाँ जाने पिज्जा खाने के लिए, मुझे तो पार्टी चाहिए, चल बहुत भूख लगी है। अरे भाई तू पागल है क्या, अबे मार क्यों रहा है, अबे क्या हो गया? अरे अरे एक तो जॉब लगा दी, ऊपर से तू मार रहा है मुझे। अरे तुझे पता है कि मैं जॉब के लिए कितना परेशान हूँ, उसके बाद भी तू जॉब को लेकर मुझसे मजाक कर रहा है। जब तुझे पहले से पता है कि यहाँ का बॉस जॉब देने से पहले पैसे मांग रहा है, तो तूने मुझे यहाँ क्यों भेजा? अब भाई वो मुझे लगा कि वो तुझसे ना मांगे, क्योंकि तेरे अंदर बहुत टैलेंट है और डिग्री भी है तेरे पास। भाई इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो कि पैसे को छोड़कर टैलेंट को देखते हैं। तुझे पता है कि मैं एक एक पैसे के लिए परेशान हूँ, मैं किसी को रिश्वत क्या ही दे पाऊंगा। सॉरी भाई, वो मैंने तेरे सोचा तो अच्छा था, लेकिन सब गलत हो गया। भाई तेरी गलती नहीं है, मेरी ही किस्मत खराब है। कार्तिक गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दिन बीतते हैं, तभी एक दिन वो सो रहा होता है, उसकी माँ माती का फोन आता है। हाँ माँ बोलो, क्या हुआ, इतनी सुबह कैसे फोन किया? वो बेटा बहुत दिन हो गया ना तेरा फोन नहीं आया, तो मैंने सोचा मैं ही कर लूँ तुझे फोन, तू ठीक तो है ना? हाँ माँ मैं ठीक हूँ, अब चिंता मत करो। बेटा अब सिर्फ मैं ही नहीं, तेरी बीवी भी है तेरी चिंता करने के लिए, कभी उसे भी फोन करके बात कर लिया कर। हाँ माँ कर लूँगा, अभी जॉब को लेकर थोड़ा परेशान था इसलिए नहीं कर पाया। और गाँव कब आ रहा है तू? माँ आ जाऊँगा, जल्दी ही आ जाऊँगा माँ, और जॉब की खुशखबरी लेकर आऊँगा, अभी तो मैं सो रहा हूँ। माँ बाद में फोन करता हूँ मैं आपको। कार्तिक फोन रख कर दोबारा सो जाता है, तभी उसके दरवाजे की डोर बेल बजती है। कार्तिक गुस्से में उठता है। सभी को सुबह के समय ही परेशान करना है, कोई फोन कर रहा है तो कोई डोर बेल बजा रहा है, तू यहाँ क्या कर रहा है, निकल यहाँ से, अभी यहाँ से निकल, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। अरे भाई 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 भाई, भाई, भाई मेरी बात तो सुन ले, अरे अच्छी खबर लेके आऊँ। बोल क्या बोलना है तुझे, कौन सी अच्छी खबर लेकर आया है तू? पहले अंदर तो आने दे, सच बोल रहा हूँ, खुश हो जाएगा सुन के तू। ठीक है आ, जल्दी आ और बता। अब भाई तू ये समझ, तेरी जॉब लग गई। अरे मेरा एक दोस्त है, वो एक ना मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू देने गया था, तो उसकी सैलरी बहुत अच्छी थी, लेकिन वो इंटरव्यू पास नहीं कर पाया और उसके पास डिग्री भी नहीं थी, तो इसमें मेरा क्या फायदा और मुझे कैसे नौकरी मिलेगी? अरे भाई तू समझता क्यों नहीं है, इंटरव्यू में ना तुझे कोई फेल कर नहीं सकता, ये तो मुझे यकीन है, और डिग्री वो तो तेरे पास है ही जो उनको चाहिए, तो मेरी बात मान, वहाँ पे जाके ना इंटरव्यू दे। पक्का मेरा हो जाएगा ना? अरे मुझे पूरा यकीन है, तेरी जॉब तो पक्की है और तेरी सारी प्रॉब्लम खत्म, समझा? उमेश की बात सुनकर कार्तिक के मन में आस जगती है और वो तैयार होकर इंटरव्यू देने के लिए उस कंपनी में जाता है और वो इंटरव्यू पास भी कर लेता है। उसे अपनी मन चाही सैलरी भी मिल जाती है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता, और वो उमेश को फोन करके ये खुशखबरी सुनाता है और रात की ट्रेन पकड़कर अपने गांव पहुंचता है और अपनी माँ से कहता है, माँ शहर जाने की तैयारी कर लो, मेरी नौकरी पक्की हो गई है और मैं आप लोगों को लेने के लिए आया हूँ। आप सच बोल रहे हैं, आप हमें अपने साथ लेकर जाएंगे? हाँ बिल्कुल, ज्वाइन करने के बाद छुट्टी मिलना मुश्किल था इसलिए पहले ही आ गया। कार्तिक अगली सुबह अपनी पत्नी और माँ को लेकर शहर पहुँच जाता है और कुछ दिनों बाद अपनी जॉब ज्वाइन करने के लिए ऑफिस पहुँचता है और ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए मैनेजर मधु के कैबिन में आता है। मैडम मेरा ज्वाइनिंग लेटर। कार्तिक जी, पहले आपको एक एग्रीमेंट पे साइन करना होगा जिसके हिसाब से अगर आप मैरिड हैं तो आपको ये जॉब नहीं दे सकते हम, उस दिन मैं आपको बताना भूल गई थी। बताइए क्या आप शादीशुदा हैं? अगर मैंने इनको बोल दिया कि मैं शादीशुदा हूँ तो हाथ में आई जॉब चली जाएगी,
अब क्या करूं? कार्तिक जी, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूं। नहीं नहीं मैडम, मेरी शादी नहीं हुई है, मैं सिंगल हूं। ओके, ये लीजिए आपका ज्वाइनिंग लेटर। कार्तिक ज्वाइनिंग लेटर लेकर अपने कैबिन में आता है और काम करना शुरू ही करता है। समय बीतता है, तभी एक दिन रेनू कार्तिक का फोन चेक कर रही होती है, जिसमें वो अपना नंबर दीदी के नाम से सेव हुआ देखती है, जिस पर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कार्तिक के कमरे में आकर कहती है, एक बात बताइए कार्तिक जी, मैं आपकी कौन हूँ? दीदी, तुम मेरी दीदी हो। क्या क्या बोला आपने? मैं क्या हूँ आपकी? अरे फंस गया यार, सॉरी, गलती से बोल दिया। बेबी हो तुम मेरी, बेबी, दीदी नहीं। अब सही बोला आपने, लेकिन आपने तो अपने फोन में भी मेरा नंबर बेबी नहीं दीदी के नाम से सेव किया हुआ है। अरे वो मेरे फोन में प्रॉब्लम हो गई है, टाइपिंग नहीं होती है ठीक से, इसलिए हो गया होगा। ओके, कोई बात नहीं, मैं ठीक कर दूंगी। नहीं नहीं, मैं खुद ही बाद में ठीक करवा लूंगा, अभी तुम मेरे पास बैठो और बातें करो, पूरा दिन हमें टाइम नहीं मिलता है ना साथ में। हाँ ये आपने सही कहा, लेकिन इसे ठीक कर लेना, वरना लोग पता नहीं क्या सोचेंगे कि आप अपनी बीवी को दीदी क्यों बोल रही हो। हाँ ठीक है, मैं ठीक कर लूंगा तुम्हारा नाम। कार्तिक रेनू को बातों में लगाकर उस दिन अपनी जान बचा लेता है। दिन गुजरते हैं और बीतते दिनों के साथ कार्तिक को अपनी शादी का सच छुपाने के लिए आए दिन झूठ बोलना पड़ता था, जिससे वो थक गया था। एक दिन वो अपने कैबिन में बैठा काम कर रहा होता है, तभी रेनू लंच लेकर उसके ऑफिस पहुंचती है और कार्तिक उसे आते देख लेता है और अपने कैबिन से भागते हुए उसके पास जाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपकी बीवी हूँ, आपको खाना देने आई हूँ, कुछ गलत कर दिया। आज आप लंच लेकर नहीं आए थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। कोई बात नहीं, मैं एक दिन बाहर खा लेता। अपनी बीवी के होते हुए आप बाहर क्यों खाएंगे? चलिए आप कैबिन में एक साथ बैठकर घर का खाना खाएंगे। नहीं नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकती हो, तुम घर जाओ, मैं घर पर आकर तुम्हें सब बताऊंगा। कार्तिक जैसे तैसे करके रेनू को वहाँ से जाने के लिए मना लेता है और खुद ऑफिस के अंदर आता है, लेकिन रेनू जाने की जगह वहीं छुप जाती है। तभी मधु वहाँ आती है। ये लड़की कौन थी? वो मेरी दीदी थी मैडम, खाना देने आई थी, आज मैं खाना लेकर नहीं आया था ना इसलिए। अरे कोई बात नहीं, मैं भी नहीं लाई हूँ लंच, चलो एक साथ लंच करते हैं। हाँ मैडम बिल्कुल, चलिए ना। कार्तिक और मधु ऑफिस के सामने वाले रेस्टोरेंट में बैठकर लंच कर रहे होते हैं, जिन्हें रेनू देख लेती है और रोते हुए घर आती है। थोड़ी देर बाद कार्तिक घर पहुंचता है तो देखता है रेनू अपना सामान पैक करके घर छोड़कर जाने को तैयार होती है और उसकी माँ मालती उसे समझा रही थी। क्या हुआ माँ, ये कहीं जा रही है क्या? हाँ बेटा, बहू बोल रही है वो घर छोड़कर जा रही है हमेशा के लिए। लेकिन ऐसा क्या हो गया? क्योंकि मुझे दीदी बोलने वाला पति नहीं चाहिए, जो लोगों के सामने अपनी बीवी को बीवी नहीं बोल सकता है, तो वो क्या ही करेगा। मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है, आपका चक्कर आपके ऑफिस की एक लड़की के साथ चल रहा है, आप उसी के साथ लंच कर रहे थे, अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगी इस घर में। जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं बताता हूँ तुम्हें सारी बात। कार्तिक रेनू को अपनी जॉब से जुड़ी परेशानी और अपनी बीवी को दीदी बोलने की मजबूरी के बारे में बताता है, जिसे सुनने के बाद वो अपने पति को गलत समझने के लिए माफी मांगती है और उसकी परेशानी को समझते हुए उसका साथ देती है। मीरा नाम की एक लड़की होती है जिसे बहुत साफ सफाई से रहने की आदत थी। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन मीरा की शादी महेश नाम के लड़के से हो जाती। अब महेश मीरा को शादी करके अपने घर लेकर आता है। एक दिन मीरा अपने घर में एक पूजा रखती है और पूजा की तैयारी कर रही होती है। थोड़ी देर बाद वो अपनी सास मालती से कहती है, माँ पूजा की तैयारी हो गई, अब आप भी जल्दी से नहा लो, फिर पंडित जी आने वाले हैं, फिर आपको भी तो पूजा में बैठना है ना, चलो अब आप नहा लो। हाँ बहू, मैं नहा कर आती हूँ, तू जा जब तक नीचे, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, जब तक जाके बचा हुआ काम कर ले।
इतना सुनकर मीरा पूजा की तैयारियां करने चली जाती है। इतने में मालती अपने कमरे में जाकर सिर्फ अपने कपड़े बदल लेती है और नीचे पूजा में बिना नहाए मीरा के पास आकर कहती है, हाँ बहू मैंने नहा लिया, अब क्या काम है? मेरे लायक जो भी है मैं तेरी मदद कर सकूं। नहीं माँ जी, काम तो मैंने सारे निपटा लिए हैं, बस अब पूजा शुरू करनी है, उसके लिए पंडित जी आ जाएं बस। पंडित के आने के बाद पूजा संपन्न होती है और कुछ समय बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और अगले दिन मीरा अपने घर का सारा काम करके अपनी सास के पास जाती है और उससे कहती है, माँ जी आप अभी तक नहाई नहीं, कितनी देर हो चुकी है? अब तक तो फिर आपने खाना भी नहीं खाया होगा, पूजा करने के बाद ही तो आप खाना खाती होंगी ना माँ जी। नहीं बहू, मैं नहीं पूजा करती और ना ही मैं ज्यादा नहाती, मुझे नहाना अच्छा नहीं लगता और काफी काफी समय तक नहीं नहाती हूँ और खाना भी खा लेती हूँ। क्या इतनी गर्मी पड़ने के बाद भी आप इतने इतने दिन तक नहीं नहाती? आपसे रहा कैसे जाता है बिना नहाए? आपको पता है कि अगर आप इतने इतने दिन तक नहीं नहाओगी तो आपको कोई बीमारी भी हो सकती है, आपको कोई फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है अगर आप ऐसे ही नहीं नहाओगी तो। मुझे कुछ नहीं होता है, मैं तो ठीक हूँ और मुझे कुछ बीमारी भी नहीं हो रही। तू अपनी ये साइंस अपने पास रख बहू, मुझे कुछ नहीं होगा। इतना कहकर मालती अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और अब मीरा को अपनी सास बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अब उसकी सास के शरीर से बदबू भी आने लगती है। ऐसे ही समय बीतता है और उसकी सास रसोई में खाना बना रही होती है, तभी मीरा वहाँ आ जाती है और उससे कहती है, अरे माँ जी ये आप क्या कर रही हो और ये आपके शरीर से कैसी बदबू आ रही है? माँ जी आप पहले जाकर नहा लो, अगर मैं आपके पास अभी एक और मिनट खड़ी रही ना तो मैं तो यही उल्टी कर दूंगी, इतनी ज्यादा बदबू आ रही है आपके अंदर से। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन मीरा की सास सुबह उठती है और उसके पूरे शरीर में लाल लाल निशान हो जाते हैं, जो कि पूरे शरीर में खुजली भी करने लगते हैं। ये सब देखने के बाद मालती कहती है, हे भगवान ये मेरे शरीर पर कैसा निशान हो रहा है? हाय इतनी खुजली क्यों हो रही है मुझे? अरे बहू कहाँ है तू, जल्दी आ देख मुझे क्या हो रहा है। सास की आवाज सुनकर मीरा अपनी सास के कमरे में आती है और उसे इस हालत में देखकर फौरन उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर चेकअप करने के बाद उससे कहता है, आपकी सास को फंगल इन्फेक्शन हुआ है जिसके कारण इनके पूरे शरीर पर लाल निशान होने लगे हैं। डॉक्टर ये प्रॉब्लम किस वजह से होती है आप मुझे बताइए। ये दिक्कत बहुत ही कारणों की वजह से हो सकती है, जैसे साफ सफाई ना होने के कारण या फिर ना नहाने के कारण, बॉडी पे ज्यादा पसीना आने के कारण ये सारी दिक्कतें आने लगती है शरीर पर। डॉक्टर के पास से वापस आने के बाद कुछ समय तक तो मालती टाइम से नहा लेती थी। समय बीतता है और अब मालती ठीक भी हो जाती है और ठीक होने के बाद फिर मालती नहाना छोड़ देती है। ये सब देखकर मीरा को समझ नहीं आता कि वो क्या करे ताकि अपनी सास के ना नहाने वाली आदत को बदल सके। फिर वो अपनी एक दोस्त को फोन करती है और उसे अपनी सास की इस आदत के बारे में बताती है। ये सब सुनकर उसकी दोस्त पायल उससे कहती है, अरे तू एक काम करना, अपनी सास को 21 दिन तक नहाने को बोल कैसे भी, क्योंकि मैंने सुना है कि अगर हम कोई भी काम लगातार 21 दिन तक करते हैं तो हमारे दिमाग में वो चीज सेट हो जाती है और हमारी आदत बन जाती है। हाँ ये तो मैंने भी सुना है, लेकिन 21 दिन की तो बात कर रही है, मेरी सास यहाँ एक दिन नहा ले उसके लिए बहुत बड़ी बात है, ऐसे तो नहीं हो पाएगा, कुछ सोचना पड़ेगा। ऐसे ही समय बीतता है और मीरा अपनी दोस्त के साथ एक उपाय सोचती है और एक दिन फिर से उसे फोन पर बात करते हुए मीरा उससे कहती है, पायल तू एक काम कर, मैं और मेरे पति सुमेश बीमार होने का नाटक करते हैं और तू पंडित बनके मेरे घर आई हो और मेरी सास को बोल 40 दिन के अंदर हम दोनों की मौत हो जाएगी और हमें बचाने का एक ही उपाय है कि 40 दिन तक रोज सुबह नहाकर सूर्य देव को जल देगी तो हम दोनों की जान बच जाएगी। ठीक है, वैसे तो 21 दिन अगर कुछ लगातार करो तो हमारी आदत बन जाती है उस चीज की, तो 21 दिन ये उपाय तो जरूर असर करेगा।
अब ये बात मीरा अपने पति को बताती है और कहती है, सुनो आपको तो पता ही है कि सासू माँ को नहाने की आदत नहीं है, जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन हुआ है उनको। डॉक्टर ने कहा है कि अगर ऐसा ही रहा तो कोई बड़ा इन्फेक्शन हो सकता है जिसका कोई इलाज नहीं है। हाँ तुम बोल तो सही रही हो, लेकिन मैं क्या करूँ, माँ मेरी बात मानती ही नहीं है और मैं समझा के थक गया हूँ। हाँ अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने माँ जी की इस आदत को बदलने के लिए उपाय ढूंढ लिया है। इतना कहकर मीरा अपनी दोस्त पायल के साथ बनाया प्लान उसे बता देती है। ऐसे ही समय बीतता है और महेश मीरा आज अपने कमरे में सोकर उठते ही नहीं है, और बहुत इंतजार करने के बाद मालती उनके कमरे में जाती है और उन्हें सोता हुआ देखकर कहती है, ये क्या आज तुम दोनों को उठना नहीं है क्या, अब तक सो रहे हो, बहू उठेगी या ऐसे ही सोती रहेगी। माँ मुझसे उठा नहीं जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है माँ। माँ जी मुझसे भी नहीं उठा जा रहा है, मेरे भी पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। अरे ये क्या हो गया है तुम दोनों को, मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ना तो मुझे कोई अस्पताल पता है जो तुम्हें वहाँ ले चलूँ। माँ जी अब डॉक्टर को मत बुलाओ, मुझे तो ये कोई ऊपरी चक्कर लग रहा है, ना जाने किसकी नजर लग गई हम लोगों के घर को। मालती अब घर से बाहर निकलती है पंडित को लेकर आने के लिए, और इतनी देर में पायल पंडित के भेष में वहाँ पहुँच जाती है, साथ ही मालती के आसपास मंडराने लगती है और कुछ देर में उसके पास आकर कहती है, क्या हुआ माँ क्यों परेशान है, मुझे पता है तेरे घर में बेटे और बहू बहुत बीमार है जिसकी वजह से तू भी बहुत परेशान है, एक काम कर माँ मुझे अपने बेटे बहू के पास लेकर चलिए, उनकी जान खतरे में है। पायल की ये बात सुनकर मालती फौरन उसे अपने घर लेकर आती है और अपने बेटे और बहू के कमरे में ले जाकर उनकी हालत दिखाती है। उनको देखकर पायल कहती है, आपके बेटे और बहू को मैंने देखा, इन दोनों के ऊपर कोई बुरा साया है जिस वजह से 40 दिन के अंदर इन दोनों की मौत हो जाएगी। क्या अरे नहीं ऐसे मत बोलिए, कोई तो उपाय होगा ना जिससे इनकी जान बचाई जा सके। हाँ एक उपाय है, अगर आप 40 दिन तक रोज सुबह नहाकर सूर्य देव को जल चढ़ा दोगी तो इनकी जान बच सकती है, ऐसा करने से साय का असर कम होने लगेगा और इनकी जान बच जाएगी। पायल इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब मालती रोज सुबह नहाकर सूर्य को जल देने लगती है। ऐसे ही समय बीतता है। अब मीरा और महेश बीमार होने का नाटक बंद कर देते हैं। मालती को लगता है कि उसके ऐसा करने के कारण उसके बेटे बहू के शरीर से साया दूर हो गया है और उनकी जान भी बच गई। ऐसा होने के बाद अब मालती को रोज नहाने की आदत भी लग जाती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।